आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है? अवेकनिंग में है ये पर्सन। ये पर्सन को बहुत सारी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हो गए इंसान, ठीक है ना। डिवाइन से कनेक्टेड है ये इंसान, फूल की एनर्जी में है। और मतलब जिसको कहते हैं ना, इसने अपने आप को अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिसको कहते हैं टोटली सरेंडर में आ गया इंसान। इसको जिधर अब ले जाए यूनिवर्स, ठीक है, जिधर परिस्थितियां ले जाए, जिधर इनको वक्त को सरेंडर कर दिया, कुदरत को सरेंडर कर दिया इस इंसान ने, अपने आप को पूरी तरह से कुदरत को सरेंडर कर दिया है। मैंने कहा ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल या अवेकनिंग में है ये इंसान। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं इनको। और बिल्कुल ये अपनी अवेकनिंग के करीब है, अपनी सोल की ग्रोथ के करीब है, क्योंकि ये अपनी सोल जर्नी का सिर्फ वहाँ पर उस मुकाम पर है जहाँ सिर्फ उस ताले को खोलकर एंटर होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कर्म रिलीज हो रहे हैं इस इंसान के, बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की इस टाइम पर रिलीज हो रही हैं, सामने आ रही हैं, सरफेस हो रही हैं, ठीक है ना। और ये इंसान लाइट की तरफ बढ़ रहा है। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अवेकनिंग में है। लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। सारे कार्ड सेल्फ रियलाइजेशन के, सारे कार्ड्स अपनी सोल से जुड़ने के, अपने सेल्फ रियलाइजेशन में आने के, सोल ग्रोथ के कार्ड्स हैं। ये ज़रूर आपका ट्विन फ्लेम ही है, आपका काउंटर पार्ट ही है। अगेन आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव एनर्जी है इस पर्सन की इस टाइम पर। आगे बढ़ने की एनर्जी है, सरेंडर की एनर्जी है, यूनिवर्स को सरेंडर करके ये इंसान चल रहा है।